प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनावी चंदे पर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। चुनावी चंदे के इस खेल में भाजपा बेनकाब हो चुकी है। चुनाव आयोग से मांग है कि भाजपा की मान्यता रद्द की जाए। चुनावी चंदा पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, कोर्ट की मदद से चुनावी चंदा की जानकारी सार्वजनिक हो गई है। केंद्र सरकार की मिलीभगत चुनावी चंदा में है भाजपा की पोल, इससे खुल गई है। उन्होंने कहा कि चुनावी चंदा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, भाजपा की सरकार इस घोटाले में शामिल है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, वसूली का टारगेट केंद्रीय जांच एजेंसियों को दिया गया। चुनावी चंदा का घोटाला अब तक सबसे बड़ा घोटाला, उसने बताया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मिलीभगत है, दाल में काला है, इसलिए वो चाहती थी कि इसको छुपाया जाए, लेकिन माननीय न्यायालय ने देश की जनता के सामने सार्वजनिक कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की पूरा पोल खोल के उन्होंने रख दी है। आदरणीय साथियों, चुनावी चंदा घोटाला देश के लिए बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती चुनावी चंदा घोटाले के लिए भाजपा की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। इसलिए रद्द की जानी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रहते हुए इसका दुरुपयोग किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड भाजपा के भ्रष्टाचार का नमूना है। मोदी सरकार ने कंपनियों पर ईडी सीबीआई से छापा मरवाकर भाजपा के लिए चंदा वसूला है। मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं के दमन के साथ ईडी आईटी सीबीआई का दुरुपयोग कर भाजपा का वसूली एजेंट बना दिया है। जहां चुनाव होते हैं वहां के विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, ईडी के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है। पूरे देश में यही स्थिति निर्मित है। ईडी सीबीआई आईटी व्यापारी घरानों उद्योगपतियों के यहां छापा मारती है, उसके बाद भाजपा को चंदा देने दबाव बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए वसूला गया। भाजपा प्रायोजित अवैध वसूली का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सरकार जिसकी लोगों के जान माल के संरक्षण देने की कानूनी जवाबदारी होती है, उसी ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से वसूली किया। मोदी सरकार ने ईडी आईटी सीबीआई को अपना मोहरा बनाकर देश की संपत्ति को लूटने का इन्होंने काम किया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से संबंधित जो जानकारी सामने आई है, इससे साफ हो गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड मोदी सरकार द्वारा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। मोदी सरकार ने व्यवसायिक संस्थानों को केंद्रीय इन कंपनियों पर रेड होता है, रेड होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चंदा वसूलने के नाम से सामने वाले कंपनियों को रेड करो, उसके बाद उनसे चंदा लो, या फिर रेड के नाम से उनको डराओ और धमकाओ, उनसे चंदा ले लो, या फिर चंदा दे दो धंधा ले लो। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन्होंने लूटने का काम किया। आप सोच सकते हैं, सिर्फ ये तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ही अभी तक का जानकारी है जो अभी भी एसबीआई ने, मैं समझता हूं पूरी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं किए, कुछ जानकारियां आना बाकी है। नंबर एक, नंबर दो, मैं तो मांग करता हूं कि माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को
पीएम केयर फंड का भी माननीय प्रधानमंत्री जी से हिसाब मांगना चाहिए। मैं समझता हूं अगर पीएम केयर फंड का हिसाब इस तरह से आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का पीएम केयर फंड में सबसे बड़ा घोटाला आएगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन उस समय स्वयं बोला करते थे कि देश की जनता का एक एक रुपए देश की जनता को और देश की नागरिकों को जानने का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार कानून पास कर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को छुपाने का प्रयास करती है। पीएम केयर फंड का पैसा देश आज पीएम केयर फंड की पैसा देश को जनता को जानने का अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से, क्या पीएम केयर फंड का भी हिसाब की जानकारी देंगे क्या? अगर वो भी जानकारी आ जाए, मैं समझता हूं देश का सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ में आएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए छत्तीसगढ़ में तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाए, आरोप लगाए और तीन दिन पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर उन्होंने एफआईआर लॉन्च की। मतलब इससे सीधा सीधा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है चुनाव मैदान से और अपने आप को हार मान चुकी है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। हमारी सरकार में कई एफआईआर हुए, हमारी सरकार में कई गिरफ्तारियां हुई, हमारी सरकार में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि महादेव बंद किया जाए, बंद हुआ नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पिछले बजट में बयान आता है वित्त मंत्री का महादेव ऐप को शायद जारी रखा जाएगा। हाँ, महादेव ऐप को बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर कल ही बयान आया है ब्रिजमोहन माननीय ब्रिजमोहन जी का, अगर महादेव ऐप से छत्तीसगढ़, और मैं देश की बात नहीं करूंगा, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, अगर छत्तीसगढ़ के युवा महादेव ऐप से उनको नुकसान हो रही है, बर्बादी हो रही है, तो ये सरकार उनको श्रेय क्यों दे रही है, उनको प्रश्रय क्यों दे रही है, उनकी संरक्षण क्यों दे रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? बल्कि कई ऐसा तो नहीं, हमें शंका है, कई ऐसा तो नहीं महादेव ऐप से फिर भारतीय जनता पार्टी को कई चंदा तो नहीं आ रहा है?